काम में लापरवाही बरतने पर 14 ग्राम रोजगार सेवकों की सेवाएं समाप्त। जागरण संवाददाता शाहजहांपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 14 ग्राम रोजगार सेवकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। मनरेगा उपायुक्त राजेश कुमार झा ने इन सभी की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सप्ताह भर के अंदर कार्यवाही न करने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों के खिलाफ भी एक्शन लेने की सख्त चेतावनी दी है। मनरेगा उपायुक्त ने बताया कि लगातार 2 वित्तीय वर्षों से ग्राम रोजगार सेवक काम में हीला हवाली कर रहे थे, जिस कारण मजदूरों को समय से मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा था, पर संपत्तियों का निर्माण भी रुका हुआ था। ये रोजगार आ रहे थे जिस कारण सरकारी कार्यों में बाधाएं आ रही थी। उन्होंने ऐसे में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों से ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी है। पुआया के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी ने दे रहे थे खुली बैठकों में होगा पालन। रोजगार सेवकों के कार्यों में रुचि न लेने के कारण मनरेगा की प्रगति प्रभावित हो रही थी। उपायुक्त ने बताया कि सप्ताह भर के अंदर संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों व ग्राम प्रधान ग्राम सभा की खुली बैठक करेंगे, जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों को हटाने की कार्यवाही होगी। आंदोलनरत हैं ग्राम रोजगार सेवक। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 में ग्राम रोजगार सेवकों को काम पर लाया गया था। इनको ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों के बजट के सापेक्ष शासन से निर्धारित प्रतिशत के आधार पर भुगतान किया जाता है। प्राइवेट जॉब में 2 को हटाया। भावलखेड़ा ब्लॉक के 2 रोजगार सेवकों को काम के साथ साथ प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करने के कारण हटाया जाएगा। मनरेगा उपायुक्त ने बताया कि ब्लॉक की विशाख कला ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक विमल कुमार व गुवारी के रोजगार सेवक वेद प्रकाश वर्मा के प्राइवेट कंपनी में भी काम की पुष्टि हुई है। पुआया में कहां किसको हटाया गया? डकिया बुजुर्ग के ग्राम रोजगार सेवक सत्येंद्र यादव, इटौली के राहुल मिश्रा, सिंगापुर खास के विकास मिश्र, महमूदपुर सौजन्नी सैजनिया के सुरेंद्र कुमार, मजीदपुर के रोजगार सेविका प्रेमलता, ढकेली के संजीव प्रजापति, धारा के मिथिलेश कुमार, भरतप आवा दुबैया के अमरीश मिश्र, हरदुआ मीरपुर के देवेंद्र मिश्र की सेवाएं समाप्त करने के सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं।